नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आर्मेनिया के अकल ठिकाने लगाने के बाद अब तुर्की ने सऊदी अरब के दिमाग में दर्द कर दिया है। तुर्की ने कतर की नौसेना को ट्रेनिंग देने के लिए तुर्की द्वारा तैयार किया गया एक युद्धपोत कतर भेज दिया है, जिससे सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की रातों की नींद उड़ गई है। तुर्की की सेना पहले से ही कतर में मौजूद है और सऊदी सरकार के मंसूबों को नाकाम कर चुकी है। आपको बता दें, सऊदी सरकार कतर का तख्ता पलट करना चाहती थी, क्योंकि इस कतर सऊदी की हां में हां नहीं मिलाता है। वो भी इसीलिए क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका की हाथ की कठपुतली बनकर नाच रहा है। इसीलिए कुवैत और कतर ने सऊदी अरब से किनारा किया हुआ है। सऊदी सरकार द्वारा तुर्की के सामानों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कुवैत और कतर का दौरा किया था। उसके बाद कतर के अमीर ने कहा था कि एर्दोगान मेरे पिता के समान है और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुर्की की सेना पहले से ही कतर में मौजूद है। अब तुर्की ने एक जंगी बेड़ा कतर में भेजा है वहां की नौसेना को ट्रेन करने के लिए। क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें और शेयर करें और हमारे मीडिया टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये जहाज 90 मीटर लंबा है और जिसमें 1950 टन फुल लोड क्षमता है। पोत का डिजाइन और निर्माण तुर्की में बनाया गया है और साथ ही कतरी नौसेना की मांग पर कुछ विशेष सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। ये हथियार प्रशिक्षण में इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही हेलीकॉप्टरों के लिए इसमें एक हेलीपैड भी है। बता दें कि इसके अलावा कतर ने 17 और सैन्य जहाजों के लिए भी तुर्की को ऑर्डर दिया है, जिसमें से सभी तुर्की हथियारों के साथ तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही तुर्की की सेना का कतर में होना सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों को हजम नहीं हो रहा है। इस पर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तरह तरह के नापाक मंसूबे बनाने वालों का इलाज करने के लिए हमारी सेना वहाँ मौजूद है। इसके अलावा किसी को भी खाड़ी में तुर्की की सेना मौजूद होने से परेशानी नहीं होनी चाहिए। उधर कतर के शेख अमीर तमीम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि एर्दोगान मेरे बाबा हैं और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरा साथ तब दिया जब अरब के कुछ देशों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा। एर्दोगान ने कतर के अमीर के खिलाफ होने वाली बगावत को बड़ी ही कामयाबी और दिलेरी के साथ रोक दिया था। तुर्क फौज ने कतर के अमीर को अपनी सुरक्षा में लेकर बागियों से बचाया था, जिसके बाद सऊदी अरब और उसके सहयोगियों की फौज को उल्टे पांव भागना पड़ा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 जून की रात को 200 तुर्क फौजियों को कतर अमीर की हिफाजत के लिए लगाया गया था, ताकि कोई भी ताकत उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना कर सके। तुर्की के जंगी जहाज भी इस रात हर खतरे से निपटने के लिए तैयार खड़े थे। उधर सीरिया में भी तुर्की सेना के मौजूद होने पर एर्दोगान ने कहा है कि हमारी किसी की भी जमीन पर कोई नजर नहीं है, वहाँ हालात खराब है, इसीलिए हम वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही संकट टल जाएगा तो हम सीरिया से अपनी सेना वापस बुला लेंगे। जबकि भूमध्य सागर के मुद्दे को संबोधित करते हुए एर्दोगान ने कहा है, जो लोग भूमध्य सागर में हमारे मजबूत इरादों को देख चुके हैं और वो ये महसूस करते हैं कि वो खतरों के साथ हमारे देश से उलझ नहीं सकते और हमें ब्लैकमेल करने वालों को आखिरकार हमारी बात माननी पड़ी। उन्होंने कहा कि तुर्की आतंकवाद, लोकतंत्र और संघर्ष को समाप्त करने वाले मुद्दों पर नेटो और अमेरिका के साथ काम करना जारी रखेगा। काराबाग पर चल रहे अर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष पर भी तुर्की के राष्ट्रपति खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि काराबाग पर कब्जे की कोशिश के दौरान अर्मेनिया को अजरबैजान की सेना के आगे हारना पड़ा और अब वो चालाकियों के जरिए तुर्की को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।